यस्टरडे वी हैव स्टडीड ग्रीन एलगी, रेड एलगी एंड ब्राउन एलगी। और तीनों जड़ियाँ एलगी की कंपैरिजन दे विच असी पढ़िया कि रेड एलगी दे विच ए ते डी क्लोरोफिल है, ब्राउन एलगी विच ए ते सी क्लोरोफिल है, ग्रीन एलगी विच ए ते बी क्लोरोफिल है। मोस्टली जड़ी मेरीन है रेड एलगी, और जड़ी ब्राउन एलगी भी मरीन है, और फ्रैश वाटर दे विच सिर्फ सानू मिलती है ग्रीन एलगी। और जेडे इना दे फॉर्म्स है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मीन्स इको ही सैल दे बने हुए है रेड एलगी एंड ब्राउन एलगी। यूनिसेलुलर फॉर्म्स एबसेंट है ते ग्रीन एलगी यूनिसेलुलर फॉर्म्स है इना दियां। सो ए मेन डिफरेंसेस सिगा एलगी दे विच। सो आज असी पढ़ांगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एलगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलगी एस फूड, एलगी नू असी फूड दी तौर ते खा सकते हैं। सो जिस तरह की एलगी क्लोरेला, उल्वा, दैन अलेरिया, नोस्टोक, ये एलगियां दे नाम है जेडे कि असी फूड दी तौर ते खाए जा सकते हैं। दूसरा है एलगी एस फोडर, एलगी एस फोडर दा मतलब है कि इनू असी एस फोडर इन्हों यूटिलाइज कर सकते हैं कि शीप्स, गोट्स, कैटल्स, पोल्ट्री वगैरह दे विच ये जानवरां दे मतलब फोडर दी तौर ते, भोजन दी तौर ते इन्हों खाया जा सकता है। जिस तरह कि फ्यूकस हो गया, सैरागेसम हो गया, दीस आर द एलगी एस फोडर। एलगी नू इंडस्ट्री दे विच भी यूटिलाइज किया जाता है उद्योगिक खेत्र दे विच। जिस तरह की एगर, एगर है जिहड़ी एलगी जैली लाइक है, नॉन नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है जिहड़ा कि फ्रैश वाटर तो प्राप्त किया जाता है। सो कोंड्रस, ग्रेसिलेरिया, ये सारिया जड़िया एगर एगर दियाँ फॉर्म्स है। नाउ नेक्स्ट, सो सेराजेनिन ये भी एक एगर एगर वर्गा ही है, जैली लाइक सबस्टांस जिस तरह एगर होंदा है उसी तरह का सेराजेनिन है। ये ज़्यादातर पोलीसैक्राइड एस्ट्रीफाइड विद सल्फेट्स का बनया है, और इस दे विच एक तरह स्टेबलाइजर ऑफ इमल्शंस, प्लांट्स, पेंट्स और कोसमैटिक्स का जिहड़ा समान है उन्होंने इस पाया जा वरतों की जाती है। टैक्सटाइल, लैदर और फूड फार्मास्यूटिकल उद्योग है जेडे उत्थे इन्हां दी वरतों की जाती है ताकि जेडे उन्हां नू पेंट्स वगैरह कोसमैटिक्स नू स्टेबलाइज करन लई वरतना। एलिगनेट्स जेडे है ये भी एलगी तो ऑब्टेन किए जाते हैं इंडस्ट्री दे विच। एलिगनेट्स जेडे है दीस आर सोल्ट्स है ऑफ एलगेनिक एसिड, एलगीनेट्स जिन्हों कहने हैं। मेनली असी लैमिनेरिया, फ्यूकस, सारगैसम एलगी तो इन्हों ऑबटेन किया जाता है। सो दीस आर मोस्टली यूटिलाइज इन द प्रैपरेशन ऑफ सूप बनाने हैं, जैली बनानी है, क्रीम, प्रिंटिंग इंक, इन्हों की तौर पर इन्हों वरत्या जाता है। डाइटोमाइट ये भी एक डाई एटम्स जड़े है रॉक्स वगैरह के फोसिलाइज्ड डाई एटम्स जड़े है डिपोजिटेड इन द सेडिमेंटरी रॉक्स, उन्होंने असी डाइटोम्स कहने हैं। एक तरह एलगी तो ही बनाए जाते हैं। इट इज़ वाइट, सॉफ्ट, पोरस है और इनसोलिबल है और कैमिकली इनर्ट हुंदा है और हाई हीट रेजिस्टेंस है। इनू फिल्टर दी तौर पर, एब्सोरबेंट दी तौर पर, इंसुलेटर हीट नू बाहर नहीं जान दिंदा, इन ऑयल, कैमिकल इंडस्ट्रीज दे विच इनू यूटिलाइज किया जा सकता है। दैन होर एलगी दियाँ की इंपोर्टेंस है। सो म्यूसीलेज ये सारिया असी जड़ियाँ इंडस्ट्री दे विच इहदा पढ़ रहे हैं। सो इन केस ऑफ म्यूसीलेज है जिस तरह की जड़ी कॉन्ट्रस एलगी है, म्यूसीलेज जड़ा इहदा स्लाइमी प्रोडक्ट है जां इहदे उपरों जड़ा म्यूसीलेज निकलता है। इनू स्टिफनिंग एजेंट्स कुछ चीज़ नू सख्त करना है जिस तरह की कोसमैटिक, शेविंग क्रीम, शू पॉलिश जा शैम्पू दे विच इनू वरत्या जा सकदा। ते लास्ट यूज इन इंडस्ट्री जिस तरह मिनरल्स एंड एलिमेंट्स है, ब्राउन सीवीड्स, ब्राउन एलगी जिस तरह है रिच इन मिनरल्स हुंदे आ उहनां दे विच, सोडा, आयोडाडीन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैमिनेरिया, फ्यूकस,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਪਰ, ਕੋਬਾਲਟ, ਆਇਰਨ, ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਮੈਨੀ ਸੀਵੀਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਵੀਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਐਲਗੀ ਐਸ ਫੂਡ, ਐਲਗੀ ਐਸ ਫੋਡਰ, ਐਲਗੀ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਨਾਓ ਐਲਗੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਲਗੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਗੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਨ ਇਨਰਿਚ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਸਟੋਕ, ਐਨਾਬੀਨਾ, ਸੋ ਓਸਿਲਟੋਰੀਆ, ਕੈਲੋਥਰਿਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਗੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲਗੀ ਦੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਕਲਾਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੇਰਨ, ਉਹ ਐਲਕਲਾਈਨ ਸੋਇਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਏ ਗਰੋਥ ਆਫ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੀ ਐਚ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫੋਸਫੋਰਸ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਔਰ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਲਗੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੋਇਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਐਲਗੀ ਗਰੋ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕਲੀ ਇਨ ਦਾ ਥੈਲਾਈ ਆਫ ਲਾਈਕਨਸ, ਕੁਛ ਐਲਗੀ ਲਾਈਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਰੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਦਾ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਰੀ, ਐਲਗੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮ ਐਲਗੀ ਦੇ ਗਰੋ ਇਨ ਦਾ ਥੈਲਾਈ ਆਫ ਦ ਲਾਈਕਨਸ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲਾਈਕਨਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਲਾਈਕਨਸ, ਐਲਗੀ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਆਰ ਦਾ ਪਾਇਓਨੀਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਰਨ ਰੋਕਸ ਫੋਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਇਲ। ਸਮ ਐਲਗੀ ਲਾਈਕ ਐਨਾਬੀਨਾ ਐਂਡ ਟੋਲੀਫੋਥਰਿਕਸ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਇਰੋਜਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।